क्या आप गिरते हुए स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं? इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर और मैं आज बात कर रहा हूँ कि भाई जब आप मार्केट गिर रहा है, जब बेरिश मार्केट है, तो पैसा कमाना चाहिए, फिर तुम्हारा नुकसान होना चाहिए, मगर उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। यूजली क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमने आज एक शेयर खरीद लिया, समझो मैंने एक टाटा स्टील का शेयर खरीद लिया और मैंने वो 108 रुपये में खरीद लिया, 100 शेयर खरीद लिया, 10,800 रुपये के हो गए और कल चल के वो 120 हो गया तो मैं 12,000 रुपये में बेच दूंगा, मुझे प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया, तो ये ठीक है। मगर मैं आज शेयर खरीद रहा हूँ 10,800 रुपये के, 100 शेयर, अभी मार्केट गिर जाता है और ये शेयर अभी 90 रुपये का हो जाता है तो मेरा तो लॉस हो गया। तो फिर इसमें करना क्या है? तो इसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जो इंट्राडे में होता है। मतलब क्या है कि आपके पास में शेयर नहीं होते हुए भी आप शेयर बेच सकते हैं। आप बोलोगे ये कैसा संभव है, ये शेयर मार्केट में संभव है कि आपके पास में शेयर नहीं है? टाटा स्टील के शेयर आपके पास में नहीं है तभी भी आप टाटा स्टील के शेयर, समझो एक 100 शेयर आप 108 में बेच रहे हैं, मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, वो शेयर 105 का हो गया, 102 का हो गया, 100 का हो गया, आपको लगा कि अभी मैंने खरीदना चाहिए, तो पहले बेचा हुआ है, अभी खरीद लिया 102 में और आपको 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक शेयर के ऊपर, 100 शेयर 600 का प्रॉफिट, 600 रुपये ले लो। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे का शॉर्ट सेलिंग, जब अपने पास में शेयर नहीं है और तब आप शेयर बेच रहे हैं तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। ये कैसा संभव है? तो आपको मैं एक छोटा दूसरा एग्जांपल देके आपको समझा के दे रहा हूँ। समझो आपने एक कार देखी, आपका एक दोस्त वो कार बेच रहा है, वो कार 5 लाख रुपए में आपको बेच रहा है। आपने बोला कार तो अच्छी है, वैसे 10 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए में मिल रही है, मगर आपके पास में आज पैसे नहीं है। तो आप बोलते ठीक है 5 लाख में अपना सौदा पक्का, मैं 5 लाख में तुम्हारे से कार ले लेता हूँ। तो आपने सौदा पक्का कर लिया, मगर अभी आपने क्या किया, मतलब वो कार खरीदने किया है अभी तक, सिर्फ उसको बोला है कि भाई 5 लाख में खरीद लूंगा। तो आपने ये दोस्त से 5 लाख रुपए का सौदा कर लिया, अभी आपके पास में तो कार नहीं है, आपने तो अभी कार खरीदनी है, आपने और दूसरे दोस्त को पकड़ा, उसको कार खरीदना है, ये मारुति की कार है, ये 10 लाख रुपए की नई कार है, उसके तरफ से आपने फोटो वीटो ले लिया मोबाइल के ऊपर, उसको बता रहे देख ये कार है, सेकंड हैंड है और नई जैसी है, कुछ चली नहीं है और बेस्ट बिल्कुल, मैं तुमको ये कार 6 लाख में देता हूँ, लगती है ब्रांड न्यू जैसी बिल्कुल। तो उसको लगता है ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 6 लाख का आप सौदा करते हैं और उससे आप पैसे ले लेते हैं। तो आपने कार बेच दिया, पैसे भी ले लिए, आपके पास में कार है? बिल्कुल नहीं, कार ही नहीं आपके पास में, और आपने कार बेच दिया 6 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए ले लिए। फिर आप जाते हैं पहले दोस्त के पास में, उसको बोलते चल 5 लाख रुपए कार दे दे, मैं तेरे को थोड़ी देर के बाद में पैसे ला के देता हूँ, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए ले ले। वही 1 लाख रुपए यहाँ से लाया, उसको 1 लाख रुपए दे दिए, वो कार उठा लिया, 5 लाख का सौदा, वहां जाके 6 लाख में बेच दिया, 1 लाख का नेट प्रॉफिट। मतलब आपके पास में कार है नहीं और तभी भी आपने कार बेच दिया, बाद में खरीद लिया और आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जब आपके पास में शेयर ही नहीं तो आपने बेच दिया, जैसा कार का वैसा शेयर का है। अभी इसमें उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? आपने 6 लाख में कार बेच दिया, 1 लाख रुपये ले लिया और आप अभी वो दोस्त के पास में जाते हो, बोलते चल 5 लाख रुपए में दे दे, बोलता मेरे को भी कार बेचने की नहीं है, मुझे ये कार बेचने की है नहीं, अभी मैं नहीं बेचता हूँ। अभी आपने तो इधर जवान दिया है, 1 लाख रुपए भी ले लिया है, अभी आपको तो सेम कार, सेम मॉडल, सेम परचेस ईयर, उसको भी देने का है और अभी आप ढूंढने लगते हो, तो अभी तीसरा दोस्त जो है बोलता मेरे पास में सेम कार है, मैं तेरे को सेम कार देता हूँ मगर कीमत है 7 लाख। अब बोलो, अब तो आपको यदि 6 लाख का ऐसा सौदा पूरा करना है तो आपको वो 7 लाख में कार खरीदी करनी होगी और इधर 6 लाख में बेचना है, मतलब 1 लाख का आपका घाटा हो गया। बस ऐसे होता है कि आप कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है बढ़ता है, आप बेच डालते हो, फायदा हो गया, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, आपको मालूम पड़ा एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से कि आज मार्केट का हो गया लक्षण ठीक नहीं है, आपने जो स्टडी किया उसे मालूम है कि आज अभी मार्केट डाउन जाने वाला है, तो आपने फलाने फलाने एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर आपने बेच दिए, बेचने के बाद में आपने वो 100 रुपये का शेयर बेच दिया, आपको लगा कि वो 70 रुपये का हो जाएगा और वो नीचे 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 आना चालू हो जाता है, 90 तक आता है, 90 तक आने के बाद में फिर से वो 110 हो जाता है। अब आपने 100 रुपये में बेच दिया, अभी आपको 110 में खरीदी करनी पड़ेगी, 10 रुपये का लॉस हो। तो इसलिए लोग गोता खाते हैं इसमें। आपके हिसाब से वो मार्केट नीचे गया या नीचे जाने वाला है तो आप शॉर्ट सेल करो, बेच डालो और बाद में खरीद लो,
और आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, ऊपर जाने वाला है, तो खरीदो और बाद में बेच दो। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। मगर ये क्या होता है, इसमें लालच जो है वो बहुत खराब होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप खरीदते हो तभी आपको कोई मार्जिन मनी देना पड़ता है, तो आप मार्जिन मनी देते हो। सवेरे 9:15 बजे आपने ट्रेड लगा दिया और शॉर्ट सेल कर दिया, बेच दिया, आपके पास में तो शेयर है नहीं, आपने बेच दिए शेयर। आपको कोई भी हालत में वो सौदा 3 बजे काटना होगा, प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है। वो होता क्या है कि आप रुकते हो, समझो आपको 1 बजे आपका टारगेट अचीव हो गया, निकल जाओ ना उसमें से 12 बजे, 1 बजे निकल जाओ ना, क्यों रुकते हैं 3 बजे? नहीं, और होगा, और प्रॉफिट होगा, और छोड़ दो, आपने एक टारगेट रखा है कि चलो 10% का प्रॉफिट हो गया है, चलो निकाल दो, फ्री हो जाओ, प्रॉफिट बुक कर डालो। लोग क्या करते हैं, ग्रीडी रहते हैं स्टॉक मार्केट में, नहीं और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के चक्कर में वो फिर से बाउंस बैक हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ना चालू हो जाता है और फिर लॉस लॉस लॉस, और फिर इतना लॉस कितना भी हो सकता है, आखिर 3 बज जाते हैं दोपहर के, 3:15 बजते हैं और आपको लॉस ना पड़ता है, खरीदना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपने पहले बेचा हुआ है, आपको लॉस में खरीदना पड़ेगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे में आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है, आपकी रिस्क लेने की तैयारी होना चाहिए और आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि भाई इसके ऊपर यदि गया, मैंने 100 रुपये में बेचा हुआ है, 100 में बेचा हुआ, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस है अभी 110, 110 मतलब ऊपर गया, मेरे हिसाब के जरिए अभी वो नीचे जाना था, गया ऊपर, मेरा लॉस हो रहा है 10 रुपये का, चलो लॉस बुक कर लो, फ्री हो जाओ। अच्छा नीचे आ रहा है, 100 का 90 हो रहा है, मेरे को 10 प्रॉफिट मिल गया ना, ज़्यादा लालच नहीं, चलो खरीद लो, वहाँ पहले बेचा हुआ है अभी खरीद लो, 10 रुपये का प्रॉफिट बुक कर डालो, फ्री हो जाओ। ये जब आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। मगर लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं और फिर लालच में आके प्रॉफिट में भी लालच और लॉस हो रहा है उसमें भी लालच, के भी लॉस कैसा भर के निकालना, रुको रुको रुको, हो जाएगा प्रॉफिट, हो जाएगा, और ऐसा करते करते लॉस धड़ाल से बढ़ जाता है और लॉस ही लॉस हो जाता है। फिर लोग बोलते शेयर मार्केट बोगस है, शेयर मार्केट सट्टा है, क्योंकि आपने गलत ट्रेड लगाया, आपने लालच पकड़ा, आपने इंट्राडे जब आप कर रहे हैं तो आप कोई खबर सुन के नहीं करना चाहिए, आपकी स्टडी होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस स्टडी होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी होना चाहिए। हाँ, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड स्टॉक है बिल्कुल, और अभी आप टेक्निकल एनालिसिस साथ में उसको जोड़ रहे हैं और फिर टोटल मूड देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, सब करके स्टडी करके फिर आप अभी शॉर्ट कर रहे हो उसको, तो डेफिनेटली करना उचित है, अदरवाइज नहीं करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।